अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फूड फैम, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट्स में बताओ अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर। तो आज है रमजान सीरीज का डे 3। इन टुडेज वीडियो वी गोना शेयर यू द हेल्दीएस्ट बीफ बोन का सूप फॉर सहरी। यस, ये बेसिकली बेंगलोर की रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक बड़ा कुकर लेंगे, उसमें हम डायरेक्टली बीफ बोन्स और नली डालेंगे। लाइक हमने टोटल 2 नली और करीब 10 से 12 सूप के हड्डी के पीसेस ऐड किए हैं। फिर 1 चम्मच मूंग दाल, उड़द दाल और तुअर की दाल वॉश करके अच्छे से कुकर में ऐड करेंगे। हमारी दादी कहा करती है कि दाल को डालने से ना कमर में ताकत आती है, और ये बेसिकली उन्हीं की रेसिपी है, तो आप लोग भी सेम रेसिपी को फॉलो करें। फिर हमने डाला है 2 चॉप्ड अनियंस, आधा कप पुदीना, 4 हरी मिर्च चीर के, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच क्रश पेपर पाउडर दैट इज काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 लौंग यानी क्लोव, 1 छोटा दालचीनी दैट इज सिनेमन, 1 छोटा तेज पत्ता यानी बेले। फिर हम करीब 1 लीटर पानी डाल के मस्त अच्छे तरीके से अपने हाथों से मिक्स करेंगे और कुकर गैस पे चढ़ा देंगे। 3 सीटी आने तक कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। के बाद स्विच ऑफ द गैस एंड कुकर को ओपन करें और देखिए हमारा सूप रेडी है। जल्दी से सर्व कीजिए वरना नली चिकनी हो जाएगी। तो ये था हमारा फटाफट वाला हेल्दी सूप। बच्चों को, बड़ों को, सबको पिलाइए। और बिकॉज दिस सूप हैज मेनी बेनिफिट्स, लाइक हड्डी में ताकत रहेगी। अगर आपको सर्दी है मेरी तरह या फिर सर्दियों के सीजन में इस सूप को डेफिनेटली बनाकर पी ले, क्योंकि आपकी हेल्थ इंशाल्लाह अच्छी रहेगी अगर अल्लाह चाहे तो। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट अस नो द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सर्व दिस garma garam soup in a bowl with spoon and enjoy. You can also add some seasoning on top if you wish. For example, हमने डाला था चिल्ली फ्लेक्स और पेपर पाउडर ऑफ कैमरा, अगर कुछ स्पाइसीनेस चाहे तो। And also add some coriander leaves कटे हुए to enhance that desi flavor of dhania. So I totally loved my daddy's and mom's recipe of this beef nalli soup. और इस नली को खाने का कुछ अलग ही मजा है यार, because ये बहुत ही ताकत देता है। ऐसा नहीं कि आप सुपरमैन स्पाइडरमैन बन जाओ, ऐसे ही नॉर्मली अंदरूनी ताकत है यार। Oh, this was so good. A basic and traditional taste of Bangalore soup. It was very light and healthy. Hot था and little spicy. और हाँ, no oil soup है। और क्या चाहिए आपको यार? जल्दी से बड़ों को, बच्चों को, सबको शेयर करो ताकि ये रेसिपी वो ट्राई करें एंड मजे लें। बहुत खूब। उम्मीद है आपको ये सहरी वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।